दिस पर्टिकुलर, अगर इसको देखा जाए एंड इफ यू ड्रॉ, इफ आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर, सो दिस इज रिवर सेंगपो, कॉल्ड एज रिवर ब्रह्मपुत्र, रिवर सेंगपो. ओके, सेंगपो कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ नामचा बारवा एंड टेक अ टर्न इन नामचा बारवा, जहाँ पे वो टर्न ले रहा है, हियर इट इज कॉल्ड एज योर रिवर दिहांग. ओके, इट इज कॉल्ड एज योर रिवर दिहांग एंड देन फाइनली वंस इट एंटर इन टू द असम पार्ट, अरुणाचल प्रदेश से वो क्या होगा, असम में एंटर करेगा, देयर इट इज कॉल्ड एज योर रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट विल कम लाइक दिस. सो दिस इज योर रिवर ब्रह्मपुत्र. ओके, सो इन एंड अराउंड ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है ब्रह्मपुत्र के अराउंड का ये वाला, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज योर असम प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन. सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज योर असम प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन फॉर्म बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज. तो यहाँ पर कौन कौन से, ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज आएंगे. ठीक है, सो ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, इफ यू टॉक अबाउट हियर, वी हैव द सुभनश्री रिवर, देन वी हैव योर दिबांग दिहांग रिवर. ठीक है, दिस इज योर दिहांग, सो दिस इज द सुभनश्री मानस, सो दिस इज द सुभनश्री रिवर, दिस इज योर मानस. हियर वी हैव द कामेंग रिवर, वी हियर वी अगेन वी हैव द लोहित रिवर, दिस पर्टिकुलर इज योर दिबांग रिवर. सो वी हैव मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. तो ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरी, वेदर वील टॉक अबाउट द सुभनश्री, वील टॉक अबाउट मानस, कामिंग, तो ये सारे के सारे रिवर क्या होते हैं, पूरे के पूरे. इफ़ यू सी यहाँ से क्या है, पूरा माउंटेनियस रीजन, सो ऑल द रिवर, क्योंकि उसका स्लोप ही ऐसा है. ठीक है, सो ब्रह्मपुत्र का स्लोप क्या है, कुछ इस तरह से, तो ऑल द रिवर्स फ्रॉम माउंटेन, ये स्लोप है, तो पूरे के पूरे यहाँ पर बीच में क्या है, सारे माउंटेन्स हैं. सो फ्रॉम माउंटेनियस रीजन वी विल फाइंड मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्ट्रीम्स कम इन दिस पर्टिकुलर रीजन. अगेन इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, सो यहाँ से भी जो भी रिवर आ रहे हैं, वो दैट रिवर विल फ्लो कम लाइक दिस. अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ से एक रिवर आएगी. ठीक है, सो वी हैव द ऑल द रिवर्स, इवन ये ट्रिब्यूटरी नहीं, बट ये वाली रिवर भी यहाँ पर पूरा का पूरा फ्लो बनाएगी. दिस इज कॉल्ड एज योर रिवर बराक. सो रिवर बराक का देखेंगे तो ये पूरा रिवर बराक का रीजन है. सो दिस पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्या है, कुछ इस तरह से दबा हुआ है, तो आपका रिवर यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों साइड से आती हैं. एंड मोस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया अगर देखेंगे तो क्या है, माउंटेन से आ रहे हैं, और वहाँ पर रिवर के क्या है, एक्सट्रीम स्पीड होंगी, क्योंकि वो क्या है, स्लोप अच्छा है. बिकॉज ऑफ दैट द रिवर हैव द एक्टिव इरोजन, और यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव इरोजन करेगा. अगेन इफ यू सी द कोर्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, द रिवर ब्रह्मपुत्र जिस जगह में फ्लो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बड़ा है. सो अमाउंट ऑफ वाटर ब्रह्मपुत्र होल्ड, वो बहुत ही एक्सट्रीम है. इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखेंगे तो उसके टर्म पे, सो वी हैव द रिवर ब्रह्मपुत्र. सो रिवर ब्रह्मपुत्र ये पूरे रीजन से क्या होता है, एक्सट्रीम वाटर उस पर ऑलरेडी है, उस पर्टिकुलर रिवर पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, इस रीजन से भी वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर उस जगह में ड्रेन आउट हो रहा है. सो इट विल रिसीव द वाटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, तो और आपका साथ ही साथ उसमें खुद में भी बहुत सारा वाटर है. सो टाइम एंड अगेन बिकॉज ऑफ द एक्टिव इरोजन, सेडिमेंटेशन एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ये पूरे के पूरे रीजन में क्या होता है, दिस रीजन इज प्रोन टू योर फ्लड. एंड फ्लड यहाँ का एक फिनोमिना है, वो कंटिन्यूसली होता है. ऐसा नहीं है कि फ्लड इज़ फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन द असम. रिसेंटली वी आर सीइंग इन द न्यूज़ कि असम में क्या हो रहा है, फ्लड आ रहा है, बहुत सारे राइनोसॉरस वगैरह डाई हुए. सो वो कोई नेचुरल फिनोमिना है. इफ़ द असम हैज़ टू सर्वाइव, फ्लड शुड बी देयर. अगर फ्लड नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, उस तरह के सॉइल्स फॉर्मेशन होंगे नहीं. और इंपॉर्टेंट वहाँ के जितने भी नेचुरल हैबिटेशन है उसके लिए रिक्वायर्ड है फ्लड होना. ओके, इंस्टेंसेस ऑफ फ्लड इज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया. अभी क्या हो रहा है, फ्लड पहले भी आते थे पर अभी क्या हो रहा है, इसके इंस्टेंसेस बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एंक्रोचमेंट अपॉन द दैट पर्टिकुलर रिवर रिवर लैंड्स. ओके, तो रिवर के एरिया में अब क्या हो रहा है, ह्यूमन एंक्रोचमेंट होने के कारण उस जगह पे वी हैव सीन द मोर इंस्टेंसेस ऑफ फ्लड, क्योंकि हमने आपका फ्लड प्लानिंग एंड फ्लड मैपिंग उतने अच्छे से नहीं किया है. बिकॉज फ्लड इज़ इन द न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, सो आई विल टॉक अबाउट द फ्लड एज सच, और आपका एक ऐसे भी कर लेंगे. ठीक है, उसके ऊपर वंस विल टॉक अबाउट द ऐसे टॉपिक. सो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर रिवर और रिवर ब्रह्मपुत्र. सो दिस पर्टिकुलर रिवर ब्रह्मपुत्र एंड दिस पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड इज योर असम प्लेन फॉर्म बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं. वहाँ पर कुछ उसका स्पेशल नाम नहीं है, बट इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द वेरियस आइलैंड्स भी हैं यहाँ पर, छोटे छोटे रिवर आइलैंड. एंड वन ऑफ द फेमस रिवराइन आइलैंड फॉर्म इन द पर्टिकुलर रिवर कोर्स, इट इज़ योर रिवराइन आइलैंड. सो ओके, सो दिस पर्टिकुलर रिवराइन आइलैंड कॉल्ड इज योर मजूली. सो आपका यहाँ पर क्या है, इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो रिवर के ऊपर बना हुआ आइलैंड है, दैट इज़ योर मजूली आइलैंड. एंड दिस पर्टिकुलर मजूली आइलैंड इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वर्ल्ड. इफ अगर पूरे वर्ल्ड में किसी आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, सो रिवर दिस पर्टिकुलर मजूली आइलैंड इज द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वर्ल्ड और ऑल्सो एज सच ऑफ इंडिया. सो दिस पर्टिकुलर इज योर ब्रह्मपुत्र प्लेन. आई विल गिव यू द राइट अप्स कि ये किस तरह से डिवाइडेड है, सो दैट यू कैन राइट सम थिंग्स फ्रॉम. होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा
इस सेक्शन कैसे दिखता है, ठीक है, कि किस तरह से हमारा पूरा का पूरा जो क्या है आपका नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया वो डिवाइडेड कैसा है, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस डिवीजन, आई एम रिपीटिंग, ट्रांसगंगा, इन ट्रांसगंगा वी हैव द इंडस प्लेन, इन इंडस वी हैव द सिंध प्लेन एंड द पंजाब प्लेन, सिंध प्लेन फॉर्म बाय दिस पर्टिकुलर द्वाब रीजन ऑफ वेरियस रिवर्स, पंजाब प्लेन वी हैव योर मालवा, मांझा एंड सरहिंद, देन वी हैव योर राजस्थान प्लेन, राजस्थान प्लेन वी हैव मेवाड़ प्लेन, मरुस्थली एंड बागड़, आई हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस फॉर्मेशन एंड द थिंग्स, देन वी हैव द गंगा प्लेन डिवाइडेड इनटू द अपर, मिडिल एंड लोअर, अपर गंगा हैज़ रामगंगा, गोमती, मिडिल हैज़ मिथिला, आंग एंड साउथ गंगा, लोअर गंगा, ओल्ड वन इज हैज़ द मुर्शिदाबाद डेल्टा एंड न्यूअर वन इज़ योर सुंदरबन डेल्टा, देन वी विल टॉक अबाउट द ब्रह्मपुत्र एंड इन द ब्रह्मपुत्र वी विल सी रिवर सैंगपो, दिहांग एंड ऑल, एंड दिस पर्टिकुलर इज कॉल्ड इज योर असम प्लेन, और असम प्लेन इज फॉर्म बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड वेरियस ट्रिब्यूटरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया एज सच इज डिवीजन इज कंसर्न इन टर्म्स ऑफ वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। नाउ विल टॉक अबाउट द मोस्ट फेमस, जो अब सबसे ज़्यादा फेमस है इसमें, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ साउथ डिवीजन, जो आप लोग मोस्टली पढ़े होते हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडी, नए वाले बच्चों तो चले के वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सो देयर आई विल टॉक अबाउट द नॉर्थ साउथ डिवीजन इंक्लूडिंग खद्दर, बाबर, बंगर एंड तराई रीजन, ओके। सो नाउ आई विल टेक अप द अदर डिवीजन विच इज योर नॉर्थ साउथ डिवीजन, सो दिस इज द ईस्ट वेस्ट डिवीजन। Now I will talk about the North-South Division of India. So, please practice this as much as you can. दो तीन बार आप draw करेंगे, so आप लोगों को क्या होगा, easily ये चीज़ समझ में आ जाएगा और आप उसको लिख सकते हैं, okay? So try to write this thing 2-3 times और सब कुछ हो जाएगा। देखो जितने बार आप practice करेंगे उतना अच्छा होते जाता है, ठीक है। एल्स ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारा है, तो बहुत सारा नहीं होता, होता बहुत कम है, बट वही है आपका प्रैक्टिस कितना है, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, ओके। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट द नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। सो आई विल टॉक अबाउट द नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, ओके। सो वी विल सी इन नॉर्थ टू साउथ टर्म, वी विल सी फोर टाइप्स ऑफ सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर, आपके कितने हैं, चार सेक्शन है, ओके। द अबव वन जो सबसे ऊपर है, दैट इज कॉल्ड एज योर भब्बर रीजन, ओके। सो वी हैव भब्बर रीजन, बिलो भब्बर वी हैव योर तराई रीजन, ओके, बिलो तराई वी हैव योर बांगर एंड देन वी हैव योर खादर रीजन, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन आते हैं कौन से हैं, सो प्लीज रिमेंबर दिस फोर। दिस पर्टिकुलर खादर ऑल्सो कॉल्ड एज योर न्यू एलुवियम, ओके। सो इन खद्दर वी हैव द न्यू एलुवियम, वहाँ पर कैसे बनेगा वी विल टॉक अबाउट दिस। दिस पर्टिकुलर बांगर इज योर ओल्ड एलुवियम, ओके। इन दिस पर्टिकुलर तराई रीजन दिस वी हैव द मार्शलैंड, जो क्या बोलते हैं, दलदल बोलते हैं ना, दलदल, सो दैट इज योर मार्शलैंड, मार्शीलैंड। एंड इन दिस पर्टिकुलर भब्बर रीजन वी हैव द प्रेजेंस ऑफ वेरियस बोल्डर्स एंड स्टोन्स, सो यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, बोल्डर्स होंगे बड़े बड़े, ओके। सो वी हैव द प्रेजेंस ऑफ बोल्डर्स एंड वेरियस स्टोन, सो दीज आर द फोर रीजन। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछा गया है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर, भब्बर हैज द प्रेजेंस ऑफ बोल्डर्स एंड द बिगर स्टोन्स, इन द तराई रीजन वी हैव द मार्शीलैंड, जो दलदल होता है जो, इन द बांगर रीजन वी हैव द ओल्ड एलुवियम एंड द खद्दर रीजन वी हैव द न्यू एलुवियम। नाउ आई विल गिव यू द पिक्चर्स कि ये किस तरह से आपका आएगा। सो अगेन आई विल टॉक अबाउट द एंटायर कोर्स ऑफ रिवर गंगा, अगर रिवर गंगा के पूरे कोर्स को समझते हैं उस रीजन को, सो इनिशियली वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो रिवर्स विल कम इन दिस पर्टिकुलर मैनर एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर रीजन, फर्स्ट वी हैव द भब्बर रीजन, सो हियर वी हैव योर भब्बर रीजन, ओके। सो भब्बर रीजन हैज मोस्ट ऑफ द, यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं एंड स्टोन्स हैं, ओके। सो कुछ इस तरह से वहाँ का, अगर बेसमेंट की बात करें, ग्राउंड की, तो ग्राउंड इज डेवलप लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो व्हाट हैपन्स, अब अगर यहाँ पर रिवर आ रही तो रिवर विल नॉट फ्लो इन दिस मैनर, ओके, रिवर विल सिप इनसाइड, क्योंकि वहाँ पर उसको एरिया मिल रहा है। सो ऑल रिवर वाटर गेट परकुलेटेड डाउन, यहाँ से क्या होगा, नीचे की ओर वो परकुलेशन होगा एंड दिस पर्टिकुलर रिवर वाटर गोज बीनीथ दिस पर्टिकुलर, आई विल ड्रॉ विद द अदर मार्कर सो दैट इट विल लुक नाइस। सो ये क्या हो रहा है, आपका रिवर आ रहा है, रिवर विल गो लाइक दिस पर्टिकुलर, ओके। सो ये क्या हो रहा है, दिस इज द बेसमेंट, अगर देखा जाए लैंड का टॉप जो है, सो दिस शुड बी द टॉप, ये आपका क्या, ये टॉप है, बट बिकॉज ऑफ द होल्स और द पोर्स क्या होगा, रिवर शिप इनसाइड। सो इन द इन दैट पर्टिकुलर रीजन इफ यू गो इन द पंजाब रीजन हुआ, तो यू विल नॉट फाइंड द रिवर्स प्रेजेंस देयर, वहाँ पर आपको क्या करेगा, आपको रिवर्स नहीं देखने को मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द रिवर्स गो शिप इनसाइड।
इसलिए वहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर को अगर देखा जाए तो किससे होता है आपका, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पंप्स लगाकर वाटर को सक आउट करा जा रहा है, ठीक है। वहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी हुआ कि यहाँ से बार बार पानी को क्या किया गया ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, उन्होंने क्या किया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर दी कि आप वाटर को पंप करेंगे, तो पंप लगाकर वो क्या कर रहे हैं, वाटर को ऊपर ला रहे हैं और पंप को छोड़ देते थे। और छोड़ने के कारण क्या हुआ, इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्ट एक्यूमुलेशन, वो आपका जो लैंड प्रॉपर अच्छा था वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है धीरे धीरे। बिकॉज वाई यहाँ पर आपको क्यों जरूरत पड़ रहा है आपको पंप्स वगैरह का, बिकॉज रिवर शिप इनसाइड दैट पर्टिकुलर रीजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर, जो नीचे का रॉक स्ट्रक्चर है द दिस पर्टिकुलर बोल्डर एंड योर स्टोन्स, तो आपका क्या हुआ, रिवर्स तो है वहाँ पर बट रिवर्स विल शिप इनसाइड दैट पर्टिकुलर, दिखेंगे नहीं वहाँ पर ऊपर में, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर रीजन वेयर विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड इज योर भब्बर रीजन। नाउ आफ्टर भब्बर रीजन दिस पर्टिकुलर रिवर वी हैव द तराई, सो इन दिस पर्टिकुलर तराई रीजन वी हैव योर मार्शलैंड, सो ये क्या है, पूरा का पूरा मिट्टी जो बोल सकते हैं एकदम दलदल, दलदल आप लोगों को पता होगा फेमसली हिंदी में अगर देखेंगे तो दलदल जो पूरा क्या होता है, क्ले जैसा होता है, क्ले फॉर्मेशन, सो यहाँ पर क्या होगा पूरा उस तरह से। एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द वेजिटेशन वहाँ पर है, ठीक है। एंड सम ऑफ द वेजिटेशन अगर वहाँ पर प्रॉपरली अगर उसको ड्राई किया जाए तो वी विल हैव द कोल फॉर्मेशन एज सच, होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। बिकॉज सच कोल फॉर्मेशन डिस्पाइट नॉट बीइंग इन द पार्ट ऑफ योर गोंडवाना लैंड, वैसा कोल फॉर्मेशन हमको कहाँ देखने को मिलेगा, इन द आसनसोल रीजन और अदर रीजन ऑफ योर वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द तराई एक्यूमुलेशन ओनली। सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन अगेन वी हैव द क्ले फॉर्मेशन, और क्ले वगैरह होने के कारण द रिवर विल अगेन सरफेस आउट, तो रिवर क्या हो रही, जो रिवर नीचे है दैट विल कम इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड दिस रिवर विल कम सरफेस आउट, तो आपका क्या हो रहा है, रिवर जो है लैंड सरफेस के ऊपर अगेन आपको देखने को मिलेगी। एंड इफ यू सी दैट पर्टिकुलर हरिद्वार रीजन और उसके बाद आपका ये वाला रीजन अगर आप देखते हैं जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, तो उस रीजन में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। एंड देयर द रिवर गेट सरफेस आउट इन दिस पर्टिकुलर रीजन, सो आपका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ये तराई रीजन पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड हियर वी हैव द मार्शलैंड, ओके, सो वी हैव द मार्श अगेन दैट इज योर दलदल, हियर वी हैव द बोल्डर्स एंड स्टोन्स एज अ रिवर शिप इनसाइड, तो क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगे एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम इज आर कॉल्ड इज योर छोस, ओके। सो वी हैव द छोस हियर, वी हैव द मार्शलैंड हियर, ये तराई जो है, तराई हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ अगेन सॉल्ट एक्यूमुलेशन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सॉल्ट एक्यूमुलेशन का प्रॉब्लम है, बट दैट गट ट्रीटेड विद द जिप्सम्स एंड अदर, सो जिप्सम वगैरह यूज़ करके उसको फर्टाइल ट्रैक में कन्वर्ट किया गया एंड यहाँ पर बहुत अच्छे से आपकी क्या होती है, अभी भी वहाँ पर सम ऑफ द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड इज देयर, आपका पूरा का पूरा, इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर रीजन, वहाँ होना नहीं चाहिए बट ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन उसको इतना अच्छे से डेवलप कर लिया गया है कि यहाँ पर आज भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो क्या है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है और द ईस्टर्न पंजाब पार्ट, सो देयर वी हैव द गुड अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर सेटअप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर लैंड बना हुआ है, ठीक है। आफ्टर दिस पर्टिकुलर दिस टू थिंग्स वी हैव द बांगर एंड द दिस पर्टिकुलर खद्दर, सो आई एम ड्रॉ लाइक दिस पर्टिकुलर सी, ओके। सो दिस आर द बांगर एंड खद्दर बोथ, सो रिवर विल कम हियर, इस वाले में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सो दिस पर्टिकुलर एरिया रिवर विल कम हियर, रिवर विल इरोड, क्या हो रहा है, हम रिवर की डेप्थ की बात करें, ओके। सो रिवर विल इरोड दिस पर्टिकुलर एंड फ्लो इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इरोड करने के कारण क्या होगा, यहाँ से जो भी सॉइल्स थे, सॉइल विल एक्यूमुलेट इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड रिवर विल फ्लो लाइक दिस, देन अगेन रिवर विल इरोड दिस पर्टिकुलर, सो सॉइल विल एक्यूमुलेट एंड रिवर विल फ्लो लाइक दिस, ओके। सो दिस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर आपका इरोजन हुआ है और जो सॉइल साइड में आकर हो गए हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर बांगर और ऑल्सो कॉल्ड एज योर ओल्ड एलुवियम, ओल्ड एलुवियम, बिकॉज अर्लियर वो क्या थे, न्यू एलुवियम थे, बट अभी क्या हुआ, रिवर इरोजन के कारण अब रिवर के सेडिमेंट जो यहाँ पर इकट्ठे होंगे, दैट आर दोज सेडिमेंट्स ब्रिंग बाय द रिवर, जो यहाँ पर अभी इसके नीचे होंगे, दोज आर योर न्यू एलुवियम एंड उस न्यू एलुवियम के आने के बाद जो साइड खिसक गया, दिस आर कॉल्ड इज योर ओल्ड एलुवियम कॉल्ड बांगर, और जो इसके बीच में यहाँ पर जो बिल्कुल इस वाले एरिया में जो नए एलुवियम्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड इज योर खद्दर, ओके। सो दिस आर द खादर, खादर्स आर योर न्यू एलुवियम। See this particular Bangar and Khadar, I know most of you are not getting in from this particular, so I have give you the other pictures, ek dusre picture se hum isko samajhte hain, theek hai। Suppose ye kya tha, ek particular drainage basin hai, yahan se aapka kya ho raha hai, ek river flow ho rahi hai, theek hai। So earlier river used to flow here, pura ka pura yahan flow hoti thi, okay। With time dheere dheere kya hua, river ka course yahan se kam hone gaya, theek hai। To river ab kya ho rahi hai, kuch itne mein hi flow ho rahi hai, रिवर इतने में ही फ्लो हो रही है। जब रिवर इतने में फ्लो होगी, तो ये वाला जो रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर रिवर पहले फ्लो होती थी,
यहाँ पर रिवर के कुछ एक्यूमुलेशन रह जाएंगे। इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द एक्यूमुलेशन ऑफ रिवर, जो रिवर्स के बचे हुए सेडिमेंट्स पहले वाले थे। सो दिस पर्टिकुलर सेडिमेंट्स जो पहले से थे वहाँ पे, अब रिवर तो बीच में फ्लो हो रही है, तो रिवर जो भी सेडिमेंट ला रही है वो रिवर के नीचे जो ये पहले से सेडिमेंट्स थे, दिस पर्टिकुलर सेडिमेंट इज कॉल्ड एज योर बांगर, जो पहले से थे, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, बांगर कहा, ठीक है। विथ टाइम, अब फिर से टाइम के साथ साथ क्या होगा इसके, देखिए अब जो रिवर के जो बिल्कुल सराउंडिंग में यहाँ पर जो हल्के हल्के जमा हो रहे हैं, दीज आर द खद्दर। अब समय के साथ क्या होने वाला है, रिवर विल फ्लो इन द रिस्ट्रिक्टेड चैनल, और रिवर क्या होगी, और छोट पतली हो जाएगी, ओके, सो रिवर विल फ्लो लाइक दिस। सो नाउ दिस पर्टिकुलर रीजन, पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वी हैव द न्यू एल्यूवियम कॉल्ड एज योर दैट पर्टिकुलर खद्दर। सो हियर अगेन वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, सो ये भी अब क्या हो गया, दिस बिकम योर बांगर, ओके, क्योंकि क्या है, ओल्ड एल्यूवियम, सो ओल्ड एल्यूवियम अगेन बिकम बांगर, एंड इन द सराउंडिंग ऑफ रिवर, ये जो रिवर के सराउंडिंग में जो भी एल्यूवियम एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ये दिस पर्टिकुलर, दिस आर कॉल्ड एज योर, ये जो बीच में जो रिवर के सराउंडिंग में एक्यूमुलेट हुए हैं, दिस आर कॉल्ड एज योर खद्दर, ओके। सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर यहाँ से भी नहीं आ रहा होगा तो टुडे आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, इन छत्तीसगढ़ इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यू हैव द रिवर, ठीक है, आपके सराउंडिंग में रिवर होगा, किसी भी रिवर के पास जाना, किसी भी रिवर के साइड में जाएंगे और रिवर की ओर देखना है, कहाँ देखना है आपको, रिवर की ओर देखेंगे, ठीक है। एंड वंस यू लुक इनटू द रिवर साइड यू विल से इनिशियली, अगर आप देखते हैं आप यहाँ पर खड़े हैं, सपोज हियर इज योर रिवर एंड इफ यू स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, आप यहाँ पर हैं खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, आजकल तो बहुत क्या बन गया है, रिवर फ्रंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर जाते हैं चौपाटी वगैरह लगा देते हैं लोग, सो यू विल स्टैंड हियर और यू आर सीइंग द रिवर, ठीक है, आप अकेले नहीं खड़े हैं, आपकी साथी भी खड़ी है यहाँ पे, सीधा ही खड़े कर देते हैं उसको, चलो हाथ पकड़ा देते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या है, दोनों हाथ पकड़ के यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, गप्पे वप्पे लड़ा रहे हैं, तो आप मोस्टली क्या करते हैं, एक दूसरे की आँखों में आँखें डाले रखते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, यू आर स्टडिंग, सो इस बार ये मत करना, आप आँखों को टर्न करके इधर देखना, देन यू विल सी, जब आप आँखों को टर्न करके इधर देखेंगे तो वॉट यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ रिवर, जहाँ पर रिवर है, तो रिवर की ओर जब इस तरह से आप देखेंगे, पूरे ज़मीन को देखना, नदी के पानी को नहीं, आप ज़मीन को भी देखना, सो इनिशियली यू विल सी लार्ज स्टोन्स, यहाँ पर क्या होंगे, बड़े बड़े पत्थर रहेंगे, ठीक है, पत्थर जैसे कुछ दिखेंगे, जैसे आप थोड़े आगे आएंगे तो आपको क्या होंगे, छोटे छोटे पत्थर देखने लगेंगे, ठीक है, स्टोन्स दिखेंगे, और आगे जाएंगे तो विल फाइंड सम ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टोन, जिसको आप रेत, रेत नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं, मुरुम बोलते हैं, कंकड़, कंकड़ और मुरुम दिखेंगे, मुरुम के बाद आपको क्या दिखेंगे, यू विल फाइंड सैंड्स, ठीक है, और सैंड के बाद ये नीचे चले जाएंगे, सो दिस, ये जो आपका बन रहा है, जहाँ पर क्या बन रहा है आपका, ये कंकड़ और ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड एज योर बब्बर, और धीरे धीरे आगे जाएंगे यहाँ पर, बिकॉज दीज आर फर्टाइल, सो दीज आर योर खद्दर एंड देन देयर इज दिस पर्टिकुलर इज योर रिवर, ओके। सो आप वहाँ जाकर भी इसको देखने से अच्छा अगर इधर देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ घूमते रहना एग्जाम के बाद, अभी थोड़ा सा यहाँ पर रखना है, ठीक है, ध्यान, तो अगर इस तरह से अगर देखते हैं आप तो आपको क्या दिखेगा, खद्दर बग्गर भी आपको समझ जाएगा वहीं से, उसके पढ़ने की जरूरत नहीं आ रही, ये सब चीज़ें एप्लीकेशन है, प्लीज़ मेक श्योर यू आर अप्लाइंग योर सेल्फ, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द खद्दर बंगर तराई एंड दिस पर्टिकुलर भब्बर रीजन, सो वी हैव द भब्बर रीजन इन द पंजाब रीजन, वी हैव द बोल्डर्स, देन वी हैव द तराई रीजन मार्शी लैंड, वी हैव द बंगर ओल्ड एल्यूवियम, वी हैव द खद्दर कॉल्ड एज योर न्यू एल्यूवियम, ओके, आई विल गिव अप द राइट अप्स ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग, ये कैसे हैं क्या है, प्लीज़ उतने उतने को थोड़ा सा पढ़ लेना वहाँ से, यू विल अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यहाँ समझ आ गया, वहाँ पर मैं हल्का फुल्का आपको आई विल टॉक अबाउट द फर्टिलिटी एस्पेक्ट्स एज सच इन द राइट अप पार्ट, अगेन दैट पर्टिकुलर थिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन द एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफ ज्योग्राफी, ओके, तो वहाँ पर मैं उसको समझाऊंगा भी अगेन, बिकॉज इनिशियली आई एम गिविंग यू द राइट अप्स में थोड़ा सा ज़्यादा, प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि अब ये थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको पढ़ लो अभी, ठीक है, विथ टाइम जैसे लेक्चर और आगे बढ़ेगा, बाय द टाइम आई विल कम्प्लीट द ज्योग्राफी एज सच आपने 10-15 डेज में, देन यू विल अंडरस्टैंड कि सारे के सारे राइटअप एक सिंगल होलिस्टिक वे में लिखे हुए हैं, देन आई विल प्रैक्टिस सम ऑफ द आंसर राइटिंग विथ यू, आपको एक साथ करेंगे कुछ प्रैक्टिस, ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वहाँ पर वो क्यों लिखे थे और किस तरह से आप अपनी ज्योग्राफी को एनरिच कर सकते हैं, सो दिस इज अबाउट द वेरियस नॉर्थ साउथ डिवीजन, वेरियस ईस्ट वेस्ट डिवीजन, इंक्लूडिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन्स, सो आई हैव कंप्लीटेड विद द ओरिजिन ऑफ दिस पर्टिकुलर नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्लाइन एंड योर फोर डिप कॉन्सेप्ट, देन आई टॉक अबाउट द वेरियस नॉर्थ साउथ डिवीजन एंड ऑल्सो द ईस्ट वेस्ट डिवीजन इंक्लूडिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स, इफ यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, सो दीज आर द मोस्ट फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, सम ऑफ द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया, इंडिया का पूरा मेन ग्रेनरी वही है, दिस पर्टिकुलर
region has the presence of alluvium soil. So I'll talk some of the important aspects. You talk about the significance of this northern plain of India. So if I talk about the significance, I'll give you a few points. Please remember this particular things. So this particular northern plain of India, it is called as your granary of India. Okay, granaries of India. Okay, so it is called as your granary of India. Apart from granary of India, why granary of India? Because this particular region is your vast agriculture tract, agriculture land. ओके आई हैव गिवन द ऑल द डायमेंशंस और वो सारा मैंने वहाँ लिख दिया, आप पढ़ लेंगे कितना कितना आपका फैला है अराउंड. इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रॉम इंडस टू योर ब्रह्मपुत्रा देन इट इज़ योर 3600 किलोमीटर्स. इफ़ यू टॉक अबाउट ओनली नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया जो इंडिया के अंदर है वो है आपका 2400 किलोमीटर्स. इफ़ यू टॉक अबाउट द डेप्थ, अगर हम लोग देखते हैं कि कितने नीचे तक उसके सेडिमेंट एक्यूमलेटेड हैं, कितने नीचे तक उसमें रिवर सेडिमेंट्स हैं, तो इट इज़ समवेयर इट इज़ इन फ्रॉम योर 1 किलोमीटर्स और कहीं कहीं पर डीप इतने हैं कि वो क्या है कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक भी डीप है. ठीक है, तो वो बहुत वेरी कर रहे हैं हर जगह पे. ओके, सो आई हैव गिवन ऑल दिस पर्टिकुलर फिगर्स, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बट राइटअप में कहीं लिखना चाहते लिख सकते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया. इट हैज़ अ वास्ट एक्सटेंट ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड है. वी हैव द फर्टाइल एलुवियल सॉइल. सो आपका क्या है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत बड़ा है बिकॉज वहाँ पर आपका एक ये चीज़ें सॉइल्स हैं. वी हैव सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हियर. सो रिवर सिस्टम्स हैं जो इस सपोर्ट करते हैं यहाँ पर इरीगेशन के लिए. सो कम्प्लीटली इसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, द ग्रेनरी ऑफ इंडिया. ओके, सो इट इज़ कॉल्ड एज द ग्रेनरी ऑफ इंडिया. नंबर टू, जितना अच्छा वहाँ पर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, उतना अच्छा वहाँ पर क्या है, रिवर सिस्टम सब कुछ डेवलप है. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, सम ऑफ द रीजन ऑल्सो हैज सम ऑफ द इंडस्ट्रियल लोकेशन. मोस्टली आपका फूड बेस्ड इंडस्ट्री दिखेंगे. ओके, सो फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटलमेंट भी अच्छा है. सो फूड प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज मोस्टली यू कैन टॉक अबाउट द, क्योंकि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए वी नीड एनिमल्स एज वेल. सो वी विल हैव सम ऑफ द एनिमल्स or the animal husbandry region here, and on basis of that particular animal product also, so animal product se bhi hum kya kar rahe hain, bahut sare industry laga rahe hain, jaise ki aapka leather industries ke liye famous hai pura Kanpur aur ye wala region. theek hai, so we have the food industries, again we have the sugar mills, various sugar mills are in this particular, pehla region tha india ka jahan par sugar mills aaye the. theek hai, to yahan par aapka we have the food based industries, we have the leather industries. okay, so aapka yahan par kya hoga, sugar cane mills, we have the leather industries. okay, ये सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे. इन द पार्ट ऑफ योर कोलकाता रीजन वी हैव द जूट प्रोडक्शन देयर. वहाँ पर रिवर होने के कारण क्या हो रहा है, वी हैव द जूट प्रोडक्शन. रिवर्स होने से जूट प्रोडक्शन कैसे लिंक है, आई टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. ठीक है, सो वी हैव द जूट प्रोडक्शन, सो अगेन वहाँ पर भी आपका, सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वी हैव द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज. सो वी हैव द गुड ट्रैक ऑफ अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इंडस्ट्री. एंड इफ यू सी दिस टू पर्टिकुलर थिंग कहीं पर भी देखने को मिलेगा, सो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा, देयर इज़ अ ह्यूज ह्यूमन सेटलमेंट. ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, ह्यूज ह्यूमन सेटलमेंट. और इंडिया में अगर ह्यूमन सेटलमेंट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, इंडिया का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो क्या है आपका, यही है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. एंड इन दिस पर्टिकुलर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया वी विल फाइंड उत्तर प्रदेश इज देयर, योर बिहार इज देयर, अगेन वी हैव द वेस्ट बंगाल, एंड दिस पर्टिकुलर आर द टॉप वन ऑफ द, आप अगर देखेंगे पूरा सेंसस पढ़ते हैं, सो वी विल फाइंड द उत्तर प्रदेश सबसे आपका लार्जेस्ट पॉपुलेशन एरिया ऑफ इंडिया, देन वी हैव द बिहार, देन वी हैव द वेस्ट बंगाल. तो सारा का सारा आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, सो वी हैव द ह्यूज ह्यूमन सेटलमेंट हियर, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वी हैव द पॉपुलेशन प्रेशर एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन. क्योंकि किसी भी एरिया में अगर हद से ज़्यादा कुछ भी चीज़ हो, विद द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन इज टू मच, देर इज अ प्रेशर ऑन लैंड. ओके, सो दीज आर द वेरियस सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर, दैट इट होल्ड्स, इट बिकम अ ह्यूमन हैबिटेशन एरिया फॉर द ह्यूज पॉपुलेशन. वी हैव द इंडस्ट्री, वी हैव द एग्रीकल्चर, एंड एसोसिएटेड मैनी थिंग्स आर देयर इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. आई विल गिव यू 2-3 पॉइंट्स इन द राइटअप्स. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड रीडिंग द राइटअप्स, यू डोंट नीड एनी अदर बुक्स और एनी अदर थिंग्स टू रीड, आपका वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया एंड इट्स इंपॉर्टेंस. नाउ अगेन आई विल रिपीट, देखिए अभी क्या हुआ, वी हैव सम ऑफ द ब्रेक्स, हमारा कुछ ब्रेक्स आ गए थे फॉर 3-5 डेज. सो मोस्ट ऑफ यू आर, होता है कि ब्रेक है, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे, पढ़ो आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, बट मेक श्योर आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे. आई विल टॉक अबाउट टाइम टेबल्स इन अदर लेक्चर, आपको थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में भी बात किया जाएगा, किस तरह से आप टाइम टेबल बना सकते हैं.
एक टाइम टेबल बना के, एक रूटीन बना के आप पढ़ाई करेंगे, फॉलो दैट पर्टिकुलर रूटीन, एंड वो रूटीन को ही आप बस फॉलो कर लेंगे तो उससे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, हम उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाइए, एंड प्लीज़ स्टडी एज मच एज यू कैन। अभी जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम के क्लोज जाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर अभी तक जितने भी लेक्चर्स हैं उसके आपको ऑलरेडी नोट्स हैं आपके पास, उसको रिवाइज़ करेंगे, आपका यहाँ से हम आगे के नोट्स लिख कर देंगे आपको, तो आप उसको भी पढ़ते चलेंगे साथ ही साथ। एंड आपका जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं उसको आप क्या करने की कोशिश करिए, जो भी अभी गैप्स हैं उसको ब्रिज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो चीज़ों को आप आगे अच्छे से पढ़ सकें, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। अगेन आई एम टेलिंग दोज हु वॉन्ट टू रजिस्टर, प्लीज़ रजिस्टर। दोज हु आर विथ अस एंड नॉट रजिस्टर्ड, सो प्लीज़ आप लोग भी रजिस्ट्रेशन करा लें। दीज आर सम ऑफ द डेमो लेक्चर्स ओनली, ऑल द कम्प्लीट लेक्चर्स विल गेट इन द बिलासपुर आई एस अकेडमी ऐप। आप ऐप में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, हमने प्रोग्राम्स लॉन्च भी कर रखे हैं कुछ आपके लिए, स्टडी मटेरियल्स जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आप वो भी वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सम ऑफ द वीडियोज़ रिगार्डिंग आंसर राइटिंग देयर वी हैव प्रोवाइडेड इन द फ्री ऑफ कॉस्ट, सो आप उसको भी देख सकते हैं। सो इफ़ यू सब्सक्राइब दैट पर्टिकुलर थिंग और यू विल डाउनलोड दैट पर्टिकुलर बिलासपुर आई एस अकेडमी ऐप, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ और भी मिलेंगे। सो यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन, किस तरह से आपका ऐप डाउनलोड करना है, कैसे प्रोग्राम पर रजिस्टर करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर फॉर इंडियन ज्योग्राफी दिस पर्टिकुलर। आगे के लेक्चर्स के लिए आप क्या करेंगे, बिलासपुर आई एस अकेडमी ऐप में, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।